नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी राजकोट रेलवे स्टेशन के ऊपर हूँ और आज इस वीडियो में हम राजकोट शहर को देखने वाले हैं, सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। और ये हमारा झंडा ऊंचा रहे सदा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये राजकोट का बस स्टैंड के बाहर का व्यू है। और ये राजकोट का बस स्टैंड काफ़ी बड़ा, और यहाँ पर बस स्टैंड के पास में ही मैंने होटल ले लिया है। ये मेरा होटल का रूम, सिंगल बेड, टीवी लगा हुआ, पंखा भी है, और इधर खिड़की है, और ये आपको चार्जिंग के पॉइंट, और ये अटैच बाथरूम आपको मिल जाता है यहाँ पर। यदि इसकी हम बात करें तो ये 500 रुपये में मुझे इस मेन लोकेशन के ऊपर ये होटल मिला है। और ये मैं सामने, तो यदि आप इधर आते हैं यहाँ पर तो आप ये रूम ले सकते हैं सिर्फ 500 रुपये में। और ये बेडशीट मेरी है, मैंने बिछाई है, क्योंकि बेडशीट मैं साथ में रखता हूँ, होटल वाली यूज कम करता हूँ। होटल वाली होती है साफ़ सुथरी तो भी मैं अपनी ऊपर डाल देता हूँ। और यदि व्यू की बात करें तो ये सामने बस स्टैंड की बिल्डिंग है। आप जहाँ तक नज़र जा रही है, देखिए घूमती हुई, वहाँ तक बस स्टैंड की बिल्डिंग, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग। और ये यहाँ इस साइड से बस स्टैंड पर एंट्री है। और ये देखिए आप, काफ़ी बड़ी ये बिल्डिंग है, और नीचे पूरा मार्केट। आइए और आगे अंदर चलते हैं सिटी में और सिटी को देखते हैं। ये मेरा गेस्ट हाउस मुरलीधर, और ये यहाँ पर मेरा रूम, और ये बस स्टैंड का व्यू। आइए चलते हैं अंदर बस स्टैंड को देखते हैं। और ये बस स्टैंड, काफ़ी भीड़, काफ़ी बड़ा पंखा, और ये एलईडी स्क्रीन के साथ लगा हुआ डिजिटल बस स्टैंड राजकोट का। काफ़ी सारी भीड़ है बस स्टैंड के ऊपर, इतना बड़ा बना के भी बसों के लिए जगह है वो शायद उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है जिससे बसें आराम से निकल सके। चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। और ये बसें बाहर निकलने का गेट, और उधर से एंट्री का गेट है, ये बाहर निकलने का गेट है। सत्यमेव जयते, वेलकम टू राजकोट बस डिपो, GSRTC राजकोट बस डिपो। और ये पूरा सिटी सेंटर का बिल्डिंग, ये बसें अंदर जाने का, और वहाँ से बसें निकलने का बाहर। ये पूरा बस स्टैंड का व्यू यहाँ का। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ डॉक्टर अंबेडकर भवन नगर पालिका, और ये पूरा बस स्टैंड के पास में ही ये बस स्टैंड। आइए और आगे चलते हैं। और ये अंबेडकर भवन महानगर पालिका का सामने से व्यू है। अंदर ये स्टैचू यहाँ लगा हुआ है, और ये इसके साथ ही चौराहा है, सिग्नल है। आइए और आगे चलते हैं। घूमता हुआ मैं जितना फील कर रहा हूँ उतना शायद आप वीडियो में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 10-20% ही दिखा पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस होती हैं। यदि आप खुद घूमते हैं तो आपको ज़्यादा आनंद उसका आएगा,
और आपको ज़्यादा पता चलेगा चीज़ों का क्या है कहाँ है। आइए और आगे चलते हैं। जब हम घूमने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारा अनुभव होता है, वो अनुभव हम वीडियो में शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत कुछ दिखाया जाए। आइए आगे चलते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पे लेखाजी राज लाइब्रेरी है, वार्ड नंबर 7, लेकिन काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग जिसमें ये लाइब्रेरी है। अभी जैसे मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये 1890 में बनी हुई लाइब्रेरी है और इसकी हालात अभी अच्छे नहीं हैं, कंडीशन अभी ख़राब है इसकी। 130 साल से ज़्यादा हो गया 1890 को, और ये इसके आसपास पूरा व्यू। और अभी इधर से हम चल के आए हैं इस सिग्नल से। आइए और आगे चलते हैं। और जो लेखाजी राज का हमने बात किया उसी के बाजू में ये एक पुराना सा स्ट्रक्चर यहाँ भी है, थोड़ा सा बाकी है, बाकी इसके पीछे ये पूरा नया बिल्डिंग लग रहा है, दुकानें नई लग रही हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये ऊपर के हिस्से में ये वही पुराना। और ये देखिए ये जो सिंबल से दिख रहे हैं आपको और ये खिड़की वगैरह ये सब पुराना है ये हिस्सा यहाँ का। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ इंडियन पोस्ट ने मेंटेन किया हुआ है, ये काम चल रहा है। अभी इधर से आए हैं और ये देखिए आप यहाँ पर इस चौराहे के ऊपर भी ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग अंदर तक कॉर्नर के ऊपर, और यहाँ ये वन वे है, इधर निकलना है। अभी इधर से चल के आए और ये यहाँ भी वही पुराना सा राजकोट, बहुत पुराना सिटी है। इस गली में भी देखेंगे तो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें आपको दिखेंगी। और ये धर्मेंद्र मेन रोड, ये पूरा मार्केट। आइए आगे चलते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा मार्केट और बिजी मार्केट, कुछ नया और कुछ पुराना मिक्स। ये देखिए यहाँ पुराना भी बचा हुआ है बीच में, ये हालत ख़राब है इसके लेकिन बचा रखा है इसको अभी तक। और ये बड़े बड़े यहाँ पर टावर हो गए हैं। और अभी इधर से हम चल के आए हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।